एक बड़ी खबर राजधानी पटना में घटी है, जहां बेखौफ अफराधियों ने एक मिठाई दुकानदार को गोली मार दी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल मिठाई दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दो की संख्या में आए अपराधियों ने पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित भामाशाह भवन के पास मिठाई विक्रेता पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। युवक की पहचान जमुना जी के मठ निवासी रामबाबू राय के 15 वर्षीय बेटे आशु के रूप में की गई है। 20 हजार गोलीबारी की घटना से लोगों में हड़कंप मच गया है। इधर वारदात को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों में से एक लोगों के हत्थे चढ़ गया है। आक्रोशित लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाकर अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधी से कड़ी पूछताछ में जुटी है। फिलहाल फायरिंग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पकड़े गए अपराधी के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण अक्सर चौक थाना क्षेत्र में हत्या और लूट की घटनाएं होती रहती है। पुलिस आपराधिक घटनाओं को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। पास एक बैग धमाका हुआ, हम लोग देखे तो एक लड़का को एक फायरिंग करके गोली मार के गिराया हुआ है, दूसरा उसके सिर पर उसको गोली मारने का निशाना बनाए हुए है। उतना ही पर तुरंत हम लोग दौड़े उसको और पकड़े। अगर नहीं पकड़े तो शायद हो सकता था कि गोली मारकर उसको हत्या कर देता। अब मालूम है मारने वाला कौन है, मार खाने वाला कौन है। पता चला है कि वो शायद दूध और मलाई उलाई बेचता है, छोटा सा काउंटर है उसका। वही लड़का को भी मारा, मुश्किल से 22 वर्ष का है। उसको सिटी हॉस्पिटल यहाँ के लोग भेजे हैं और हम लोग तुरंत चौक थाना को बोले रख लीजिए। अगर नहीं आता तो हो सकता था कि मॉब लिंचिंग में लड़का मर जाता, लेकिन प्रयास किया गया, उसको कानून अपना काम करेगी, कानून के हाथ में सौंप दिया गया है। लेकिन इस तरह के आए दिन यह घटना हो रही है, आम आदमी के चलना बहुत मुश्किल हो गया। ये मंगल तलाव जो है पर्यटकों का स्थल है, यहाँ से श्रद्धालु सिख संगत लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन यहाँ पे घटना हो रही है। पुलिस पेट्रोलिंग नहीं है, पुलिस पेट्रोलिंग का नामो निशान नहीं है और बगल में मात्र आधा किलोमीटर भी पुलिस का थाना नहीं है। और उसको आधी घंटा तक कम से कम 5 बार फोन किया गया तब वो आया। अगर उसके बीच में नहीं तो मॉब लिंचिंग में मारा जाता, इसको बचा के पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया अपराधी को। और उसके हाथ में रिवॉल्वर गोली और न जाने क्या क्या सामान पुलिस अभी सीज किया। क्या नाम हुआ आपका? मैं संजीव कुमार यादव। और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की लापरवाही है तभी तो इतना घटना घट रहा है ना। आज पुलिस सजग रहता, पेट्रोलिंग करता, मुस्तैद रहता, चौकस रहता, ये घटना नहीं घटता। पेट्रोलिंग तो दिखाई नहीं पड़ता है, ये स्थिति है।